केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वर्ग की पहचान के लिए मौजूदा सालाना आय सीमा 8 लाख रुपया जारी रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि मानदंडों के पुनर्मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने सुझाव दिया है कि मौजूदा मानदंडों को इस साल की काउंसलिंग और प्रवेश के लिए जारी रखा जा सकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो 8 लाख रुपए तक की आय वर्ग वाले अभ्यर्थियों को NEET कोर्स में दाखिला देना चाहती है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि EWS वर्गों के आरक्षण नियमों में अगले साल बदलाव होगा। इस साल मेडिकल कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए इसमें बदलाव करने में कई दिक्कतें आएंगी। केंद्र ने यह हलफनामा तब दाखिल किया जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पूछा था कि EWS को आरक्षण के लिए अधिकतम आय की सीमा को 8 लाख रुपए कैसे तय किया गया है, यानी इसके लिए कौन सा तरीका अपनाया गया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था 8 लाख रुपए OBC कोटे के लिए भी निर्धारित सीमा थी, क्योंकि इस समुदाय के लोग सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के शिकार हैं। लेकिन संवैधानिक योजना के तहत EWS सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है, इसलिए दोनों के लिए एक समान योजना बनाकर आप असमान को समान रूप से देख रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि 103वें संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद 15 और 16 के तहत शामिल स्पष्टीकरण में कहा गया है कि राज्य द्वारा समय समय पर परिवार की आय और आर्थिक व अन्य संकेतों के आधार पर श्रेणी को सूचीबद्ध किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इन याचिकाओं में अन्य पिछड़े वर्ग यानी OBC के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए NEET PG में 10% आरक्षण देने की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी MCC की 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। इसी को लेकर अदालत में सुनवाई हो रही थी। EWS कोटा मुद्दे पर विवाद ने NEET प्रवेश को प्रभावित किया है और पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जूनियर डॉक्टरों ने इस देरी के खिलाफ 14 दिनों का विरोध शुरू किया था। विशेषज्ञ समिति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को EWS मानदंड संशोधन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के सहमत होने के बाद इस विरोध को रोक दिया गया था।